नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके अलावा दोस्तों विभिन्न पॉइंट पे हम बात करेंगे, जैसा कि इसका एग्जाम लेवल क्या चल रहा था पहले, अभी क्या चल रहा है, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या होगा इसमें, एग्जाम में कैसे मतलब इसमें अप्लाई होगा और किन के मार्क्स बढ़ेंगे किन के कम होंगे, इसके अलावा आंसर की कब तक आएगी इस एग्ज़ाम की, तथा फिजिकल डेट कब आएगी और फिजिकल डेट के लिए क्या इसकी कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों। इसके अलावा फाइनल कट ऑफ जो कि फिजिकल के बाद में, अगर फिजिकल आप पास करते हो तो उसके बाद में फाइनल कट ऑफ कब कितने नंबर तक जा सकती है। तो इसके अलावा जोन वाइज रिव्यू हम देंगे दोस्तों, जोन वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर मतलब डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वेल दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैं बात करूँगा रेड जोन एरिया की। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये जो जोन मैंने बताए हैं आपको, पांच मतलब जोन बताए हैं, अजमेर, भोपाल, चेन्नई, इलाहाबाद और चंडीगढ़। तो दोस्तों ये जो रेड जोन एरिया है, मतलब ये एक तरीके से ये मान के चलो इन जोन में सबसे हाई कट ऑफ रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आया था एएलपी का, तो उनमें भी मतलब अजमेर, भोपाल, चेन्नई, इलाहाबाद, चंडीगढ़, इन सारे रीजन की मतलब हाई कट ऑफ गई थी सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों यही मैं कहूँगा कि यही वापस से मतलब दोहराया जाने वाला है इतिहास। ये मान के चलो आप, मतलब ग्रुप डी में अजमेर रीजन सबसे हाई कट ऑफ में जाएगा ही जाएगा, ये लिख के ले लो आप। अब ये कट ऑफ कितनी हाई जाएगी ये भी मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर कट ऑफ निकलेगी तो सबसे हाई कट ऑफ अजमेर की होगी, उसके बाद में भोपाल, चेन्नई, इलाहाबाद और चंडीगढ़ का। हो सकता है सिक्वेंस यही चले आपका वापस से ग्रुप डी के एग्जाम में। फिजिकल से पहले की बात है, मतलब फिजिकल के लिए क्वालिटी की जो कट ऑफ निकलेगी उसके बाद है, उसके बाद की बात, हो सकता है शायद चेंजेस आए, तो जैसा भी होगा मैं वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप इन पांच जोन के अलावा अगर किसी अदर जोन में आते हो तो ये मान के चलिए कि आपके कट ऑफ कम ही जानी है दोस्तों इन पांच जोनों के अलावा। वेल दोस्तों आप यहाँ पे मतलब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठा के देख सकते हो, उससे प्रीवियस की कट ऑफ उठा के देख सकते हो, मतलब यहाँ पे मतलब इन पाँचों जोन में हाई ही कट ऑफ मिलेगी आपको दोस्तों। अगर मैं बात करूँ एएलपी सीबीटी फर्स्ट की, तो आपको सभी को मालूम है इन पाँचों जोन की कट ऑफ हाई गई है, तो उस हिसाब से मतलब ये कन्फर्म है कि आप अदर जोन में आते हो तो आप मतलब सेफ हो कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पर इन जोनों के कट ऑफ क्लियर करते हो तो फाइनल तक आप मतलब सेफ हो दोस्तों। वेल दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसके एग्जाम का लेवल क्या था। मतलब दोस्तों आप सभी को मालूम है शुरू हुए थे एग्जाम ग्रुप डी के, तब मतलब थोड़े इजी शुरू हुए थे, उसके बाद में धीरे धीरे मतलब इनका लेवल बढ़ता गया और देखिए दोस्तों अभी मतलब लास्ट मतलब यहाँ पे एग्जाम खत्म होने को है ग्रुप डी, लेकिन अभी मतलब लेवल इनका मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो ये मान के चलिए अगर आपका जिन बच्चों का लास्ट में एग्जाम हो रहा है, मतलब लास्ट मंथ में मान के चलिए आप, तो ये मान के चलिए आपका मतलब 10-15 नंबर इंक्रीज होने ही होने हैं शुरुआत वाले बच्चों से। दोस्तों फाइनली अभी हम आते हैं कट ऑफ की, मतलब इस बार की कट ऑफ क्या रहनी है। तो दोस्तों पहली बात तो ये, मतलब यहाँ पे मतलब जो कट ऑफ बताऊँगा मैं वो मतलब कम बताऊँगा, तो आप में से कई लोगों को ये ऑब्जेक्शन रहेगा कि ये कम कट ऑफ बता रहा है व्यू के लिए, सब्सक्राइबर के लिए। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको रीज़न दूंगा कि क्यों कट ऑफ इस बार कम जाएगी। पहला रीज़न दोस्तों, आप सभी को मालूम है इस बार का जो पेपर का पैटर्न आया, जो मतलब लेवल आया एग्जाम का, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था दोस्तों। अगर मैं पिछले मतलब प्रीवियस मतलब ग्रुप डी में जो पेपर हुआ करते थे उनकी बात करूँ, उनके कंपेयर में साइंस के क्वेश्चन आप कहीं भी किसी भी लूसे एंड से या कहीं किसी से उठा के देख लो, आपको नहीं मिलेंगे साइंस के क्वेश्चन। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल ले लो आप उठा के, मतलब पिछले मतलब जितने भी क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उनमें पीरियोडिक टेबल का कहीं कोई नाम नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल मतलब पीरियोडिक टेबल घुसा दी गई है। टेंथ वालों से उम्मीद की जाती है कि पीरियोडिक टेबल में मतलब मास नंबर या सब कुछ मतलब कैलकुलेशन कर करा के ये निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे। दूसरी बात मैं यहाँ पर बताऊँ तो पहले पोस्टें मतलब कभी भी इतनी पोस्टें नहीं निकली, और यहाँ पर इस बार पोस्टें आप सभी को मालूम है कितनी है, तो दूसरा बड़ा रीज़न ये है। तीसरे रीज़न की बात करूँ दोस्तों मैं, तो आप सभी को मालूम है इस साल कितनी भर्तियां निकली। अगर रेलवे की बात की जाए तो मतलब एएलपी वाले कितने हो गए, उसके अलावा ग्रुप डी वाले इतने सारे, मतलब 60,000 60,000, इसके अलावा आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, और इसके अलावा मतलब स्टेट में भी अदर अदर वैकेंसीज निकली। तो उस हिसाब से मतलब दोस्तों पहली बात तो ये, अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा जो कि पिछली बार ग्रुप डी में 80-80 नंबर लाता था रह जाता था, तो दोस्तों इस बार वो 80 नंबर लाएगा तो वो ग्रुप डी की नौकरी थोड़ी करेगा, पहली बात तो वह एलपी में भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं तो वो कांस्टेबल या कहीं और भी कई अदर नौकरी वो ग्रुप डी में नहीं आएगा, पहली बात तो ये लिख के ले लो दोस्तों आप। दूसरा दोस्तों अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे मतलब इस बार तब मतलब कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस पूछे गए, इसके अलावा स्लोक्स वाले क्वेश्चन पूछे गए जो कि बैंक में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं रीजनिंग भी एक ऐसे मतलब हो गया है अभी, मतलब कि मतलब जैसे कि आप मैथ सोल्व कर रहे हो, तो उस हिसाब से मतलब यहाँ पे लोगों के नंबर इसमें भी सेक्शन में भी नंबर बहुत कम आएंगे। इसके अलावा अगर अदर मतलब मैं करंट अफेयर की तरफ जाऊँ दोस्तों, तो मतलब 2017 के क्वेश्चन पूछे जा रहे लोगों से, मतलब तो
दोस्तों यार 2017 के क्वेश्चंस कौन पढ़ के जाता है, दिसंबर 2018 चल रहा है, 2017 के क्वेश्चन पूछोगे आप तो मतलब कहीं ना कहीं लोग गलत करके ही आएंगे, ये मान के चलिए आप। चलो दोस्तों मान लेते हैं आपने रिटन क्लियर कर लिया, अब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल भी कोई ईजी नहीं है, जैसा कि हर बार होता है कि मतलब दौड़ लिए पास हो गए, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार आपको 35 किलो वजन अपने कंधे पर लेके मतलब 100 मीटर दौड़ लगानी है दोस्तों, तो 2 मिनट के अंदर अंदर, वह भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप मतलब 2 मिनट 3 मिनट लगा रहे हो। तो पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 35 किलो घर पे उठा के देखना कितना होता, बहुत ज़्यादा होता भाई साहब, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। अगर कोई 40 किलो का है, 50 किलो का है, वो 35 किलो कैसे लेके जाएगा, सीधी सी बात है दोस्तों। तो यहाँ पे भी कई बच्चे आपके मतलब डिसक्वालीफाई होने ही वाले हैं दोस्तों, अगर कोई प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आपका मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद में 10-15 दिन बाद में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 31 दिसंबर के आसपास इसके मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं आंसर किया आ जाए दोस्तों आपकी, फिर इसके बाद में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी रेलवे, सीधी सी बात है जनवरी के पहले वीक में या जनवरी के दूसरे वीक में आपके मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों फिजिकल के लिए कोई भी टाइम नहीं है आपके पास, जो अगर शुरू करना है आपको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप सभी को एक बात और दोस्तों आप मैं यहाँ क्लियर देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये वैकेंसी निकाली है भाजपा की सरकार ने, और 2019 में भाजपा के लोकसभा चुनाव होने वाले, आप सभी को मालूम है अभी 5 राज्यों में भाजपा की कैसी हार हुई है दोस्तों। तो इस हिसाब से भाजपा नहीं चाहेगी कि वह वापस से 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क लेवे, तो इस हिसाब से भाजपा को जो वैकेंसीज निकाली है उन्होंने रेलवे की, वो सारी की सारी उनको चुनावों के पहले पहले पूरी करानी ही पड़ेगी किसी भी कंडीशन में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि जो वैकेंसी की प्रोसेसिंग होगी वो सबसे फास्ट होगी दोस्तों आपकी, ये मान के चलिए। मतलब CBT 2 का जैसे ही हुआ आपका साइको भी हो जाएगा, अगर LP की बात करूँ, अगर ग्रुप डी की बात करें आपकी तो जनवरी, तो ये मान के चलिए फरवरी या मार्च से पहले पहले आपका मतलब फिजिकल भी कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप डी का। क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है SI और RPF के SI और कॉन्स्टेबल के एग्जाम शुरू हो चुके हैं जोन वाइज, आप सभी को मालूम है मतलब ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे DE, AB जैसे भी ग्रुप के हिसाब से है वो एग्जाम चल रहे हैं अभी। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब आपके जनवरी फरवरी में ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद में क्या होगा दोस्तों ग्रुप डी की ही प्रोसेसिंग होगी। हो सकता है कहीं ना कहीं फरवरी में आपका मतलब फिजिकल हो जाए और उसके बाद में आपका मतलब सीधी सी बात है रिजल्ट भी निकल जाएगा आपके मतलब लोकसभा चुनाव के पहले पहले। तो दोस्तों तैयार रहिए, किसी भी समय आपका मतलब फिजिकल हो सकता है एग्जाम के बाद में दोस्तों, इसमें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। वेल दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इस एग्जाम से रिलेटेड तथा रेलवे के सभी एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहे, तथा साथ ही साथ हम मतलब सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे में अब तक पूछे गए, ग्रुप डी की बात करूँ तो ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, तथा साथ ही साथ LP CVT फर्स्ट में जो भी मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से माने, या अगर मैं बात करूँ GK की या मैथ की, तो वो सारे के क्वेश्चन हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे आपको, जिससे कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में जो कि अभी कॉन्स्टेबल का आपका होने वाला है या होगा अभी, और इसके अलावा अगर अदर सोर्स मतलब आप जैसे कि आप सभी को मालूम है इसके मतलब TT की या नॉन टेक्निकल की पोस्टें निकलने वाली है रेलवे की, तो उसके संदर्भ में भी हम यहाँ पे मतलब डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, तथा साथ ही साथ सारे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करते रहेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, और आज ही हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।